यू? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेटलर्जी में सिल्वर और गोल्ड का निष्कर्षण सीखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मेटलर्जी में हम लोग देख रहे हैं AU एंड AG का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। क्लियर ना? तो सबसे पहले इसके मुख्य अयस्क लेते हैं। मुख्य अयस्क AG सिल्वर का Ag2S होता है, ठीक है ना? और AU ये खुद मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसको बोल सकते हैं एवरीफेरस रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका क्रशिंग करते हैं। जो ये अयस्क मेरे को मिलते हैं इसका तोड़ तोड़ टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा महीन चूर्ण कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है ना? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं, चूर्णीकरण करते हैं। उसके बाद प्रोसेस से गुजारते हैं, किन किन प्रोसेस से? तो अमालगमेशन, अमालगम का निर्माण करवाते हैं, फिर साइनाइड प्रक्रम में ले जाते हैं। क्लियर ना? तो पहला हम लोग देख रहे हैं अमालगमेशन, अमालगम का निर्माण कैसे करते हैं। सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हम लोग अयस्क के चूर्ण लेते हैं और पानी लेते हैं। इसको बोल सकते हैं सलरी ऑफ AU या AG। सलरी मतलब होता है घोल, AU AG का घोल, ठीक है ना? यहाँ पर अयस्क का चूर्ण होगा और पानी डालेंगे तो घोल बन जाएगा, ठीक है? और इसमें जिंक रहता है, तो जिंक क्या करता है ना, इससे कॉम्बिनेशन करके यहाँ अमलगम बनाता है। ये अमलगम नीचे बैठ जाता है, अमलगम फॉर्म करता है। अब प्राप्त अमलगम का AU AG से HG से कॉम्बिनेशन करता है, अमलगम बन जाता है। प्राप्त अमलगम का आसवन कराते हैं, हीट करते हैं, तो यहां से इसका मेल्टिंग HG का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो यहाँ वेपराइज हो जाता है, HG बाहर निकल जाता है और सॉलिड के रूप में गोल्ड सोना अलग हो जाता है। यहाँ पर 70-80% गोल्ड रिकवर हो जाता है फ्रॉम सलरी, माने घोल से 70-80% घोल से क्या रिकवरी हो जाता है, तो गोल्ड रिकवरी हो जाता है। अब ये देख लिया हम लोग अमलगम का निर्माण, अब देखेंगे साइनाइड प्रक्रम, साइनाइड प्रोसेस। तो इसको नोट करें आप, तो वह बी में है साइनाइड प्रक्रम, साइनाइड प्रोसेस। तो साइनाइड प्रोसेस फॉर AU क्या करते हैं, AU गोल्ड को मुक्त अवस्था वाला गोल्ड लेते हैं और इसमें NaCN को मिलाते हैं और पानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, आपस में अभिक्रिया करके ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्षारीय कॉम्प्लेक्स बनाते हैं NaOH, ठीक है ना? अब ये कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में हम जिंक के पाउडर को डालते हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़ा को क्या करते हैं, डालते हैं। तो यहां से ये जिंक इसको विस्थापित कर देता है, AU को विस्थापित कर देता है, ये नीचे बैठ जाता है PPT के रूप में और पुनः ये मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना लेता है सॉल्यूशन और ये नीचे बैठ जाता है। तो यहां से हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, गोल्ड को। फिर देखिए यहां पर फर AG सिल्वर, फर सिल्वर, यहां पर इसका अयस्क Ag2S को लेते हैं और NaCN से यही प्रक्रम एकदम, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, Na2S बाहर निकलता है, ठीक है ना? अब इस कॉम्प्लेक्स को लेकर के इसमें जिंक डालते हैं, तो जाहिर सी बात है जिंक इसको विस्थापित कर देगा, तो यहां पर Ag PPT के रूप में डार्क फॉर्म में नीचे बैठ जाता है और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन अलग हो जाता है। क्लियर ना? अब इसमें एक नोट लिखाएंगे, इसको नोट करें आप। तो यहां पर नोट लिखाया गया है कि Fe एवं प्लेटिनम PT अमलगम निर्माण, अमलगम का निर्माण नहीं करते हैं, ये ध्यान रहे। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव नीम में कौन अमलगम का निर्माण नहीं करता है। अब देखिए यहां से प्राप्त AU जो अभी हम लोग प्राप्त किए हैं AU और सिल्वर, ठीक है ना, के अवक्षेप PPT अवक्षेप होता है, प्रिसिपिटेट अवक्षेप को क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित करने के लिए KNO3 एवं बोरेक्स के साथ मिलाकर उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। KNO3 को गर्म होगा तो KNO2 बनेगा, O2 मुक्त होगा, जिंक ये जिंकाइट बनाएगा, ZNO बनाएगा,
और ये बोरिक्स हीट होके स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, ध्यान रहे, तो पानी उड़ जाएगा, यहाँ पर बनेगा B2O3 और सोडियम, ठीक है ना, मेटाबोरिक, क्लियर। अब क्या होगा, ZnO और ये B2O3 रिएक्शन करके जिंक मेटाबोरेट बनाते हैं, ये मेटाबोरेट बनाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। तो यहां पर क्या होता है ना, ये आसानी से प्रेसिपिटेट बनाते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, AU और AG और AU, क्लियर ना। तो ये नोट करिए, अब इसका प्यूरिफिकेशन देखेंगे, नोट करो। तो इसका प्यूरिफिकेशन हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, क्यूपिलेशन मेथड, क्यूपलीकरण विधि से, एक विद्युत परिशोधन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड से, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड से हम लोग एजी या एयू का क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो एनोड लिया जाता है ना, वह अशुद्ध धातु का मोटा एनोड लिया जाता है, ये वाला, और उसी धातु शुद्ध धातु का पतला कैथोड लिया जाता है। जो इसमें विद्युत अपघट्य होंगे, AgNO3 यहाँ सिल्वर लिया गया है, और HNO3, AgNO3 क्या है, यहाँ पर विलयन है, और HNO3 दोनों के मिश्रण लेते हैं, स्पष्ट ना। तो ये जब विद्युत विच्छेदन की प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया होती है, तो कैथोड पर ये एनोड कैथोड गलगल के एनोड पर आके क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यहाँ पर 99.995% क्या मिलता है हमको, सिल्वर मिलता है या गोल्ड मिलता है, तो इसको आप नोट करें। चलिए हम लोग देख लिए यहाँ पर एजी और एयू का निष्कर्षण, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।